तो पापा ने कहा कि थोड़ा सा ना बाल को कंघी करके जाओ, उनको पता नहीं चला कि मैंने हेयर कटवाए हैं। देख रहे हो क्या कर रहे हैं वो बाबू? ए बाबू, बाबू व्हाट फीलिंग शाय, शर्म आ रही है तुझे? All boys are coming and asking you, Asha. They are all coming and playing with me. Hey, hello, take. I'll give down all the biscuits. घर के अंदर खाता है बुद्धू बच्चा। बुद्धू बच्चा, मेबी इट्स नॉट दैट गुड। आशी इज स्पॉइल्ड। होप डू यू ऑल सपोर्ट यूक्रेन और रशिया। आई सपोर्ट रशिया एट द यूक्रेन। सो हेलो, मैं तो दोस्तों मैंने इसमें ना जो तड़के होते हैं वो डाल दिए, टमेटोज डाल दिए और राम सॉल्ट तो डाला ही नहीं, सॉल्ट भी डालती हूँ मैं। एक सेकेंड, यू नो आई यूज ब्लैक सॉल्ट विच इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। यस, देखो मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड कर दिया है, अब इसमें से पानी निकलेगा। ये देखिए, ये मोटा मोटा ये बैंगन है जिसका आज मैं भुर्ता बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं मक्के की रोटी बना रही हूँ भाई, तो जिद्दार। एंड देन वेट, ये पोटैटो है जिसे मैं, इसका भी मैं भुर्ता बनाऊंगी क्योंकि मक्के की रोटी के साथ ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। एंड यस, दिस वन इज पालक का पेस्ट जो कि मैं इसमें डालने वाली हूँ, थोड़ा पक जाए। मैंने जीरा पाउडर डाला है, काली मिर्च पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है। एक्चुअली ना मेरा कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, मुझे जो भी मसाले दिख जाते हैं मैं उन सारे मसाले को ऐड कर देती हूँ। और जब पापा को भिंडी की सब्जी में भी वही टेस्ट आता है, आलू की सब्जी में भी वही टेस्ट आता है, बैंगन की सब्जी में भी वही टेस्ट आता है, तो पापा ना टिकट कटा के भाग जाते हैं, हो जाते हैं मेरे खाने से। बट यस, मैं चने की सब्जी बहुत टेस्टी बनाती हूँ। बाय गॉड, यू डोंट बिलीव, मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे आई विल शो यू अगेन इफ यू गेट अ चांस, विल गेट अ टाइम। एंड ये देखिए मेरा पालक का, क्या बोलते हैं इसे, पालक का सार जो भी है वो तैयार है। एंड ये मेरा बैंगन रोस्ट हो रहा है फायर पे, विच इज वेरी डिफिकल्ट। ये बैंगन ना यहाँ के लोग नहीं खाते, तमिलनाडु के लोग प्रेफर नहीं करते हैं, बट ये जो हमारे नॉर्थ इंडियंस हैं इसे पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है और ये बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाता है, आई मीन गल जाता है, पक जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसके छिलके निकाले जाते हैं। इसमें अगेन टोमेटो भी मैं पका के डालूंगी, लहसुन डालूंगी, प्याज नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे पापा नहीं खाते हैं, ब्लैक सॉल्ट डालूंगी एंड यस मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। तो ये मेरा भुर्ता तैयार है, बैंगन का भुर्ता। इसमें मैंने सारी चीजें मिला दी है, आप इस गलत फहमी में ना रहें कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। एंड यस, ये मैंने सिर्फ मसाले मिलाए हैं, पापा इसे तैयार करेंगे। एंड इट सो यम्मी। ये है मेरी मक्के की रोटी, मुझे ऐसे बनाना आता है, इधर से देख सकते हो सारी जगह से क्रैक्स आ रहे हैं। एंड दिस वन इज माय फूड, मिल्क एंड मक्के की रोटी एंड दिस मच विद बैंगन का भुर्ता। हेलो दोस्तों, मैं बता दूं कि
कैमरा पकड़ने वाला मेरे घर में कोई नहीं है, आई कॉन्ट आस्क माई फादर टू होल्ड कैमरा, और जो भी काम है मैं अकेले करती हूँ, और आप मेरा देख सकते हो। लेसन छीलना सो डिफिकल्ट यार, कैसे छीलते आप लोग, आई रियली सैल्यूट यू पीपल। एंड देन मुझे अदरक का पेस्ट भी बनाने नहीं आता, जस्ट मैं उसे ना पत्थर से कूट देती हूँ और वो कूटता ही नहीं है। चलिए आज एक्चुअली ना मैं आप लोगों को अपना रूटीन बता देती हूँ। 4 बजे उठती हूँ, खाना बनाती हूँ, टिफ़िन पैकअप करती हूँ, पापा के लिए मैं ओट्स बनाती हूँ, उनके लिए चपातियाँ बनाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, फिर उसे पैक करके रखती हूँ, देन झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ सुबह सुबह, एंड नीचे गार्डन में भी जाके बहुत सारे पत्ते गिरते हैं उसे मैं बटोरती हूँ, उसमें आग लगाती हूँ, देन सीढ़ियाँ बहुत बड़ी सी सीढ़ियाँ मैं उसे साफ़ करती हूँ। ये सब करते 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 ना करीबन 6:30 हो जाता है, मैं जाती हूँ खुद को फ्रेश करती हूँ, और जैसे मैं बाहर निकलती हूँ आई हैव मुझे मेरे पास करीबन ओनली 5 मिनट्स रहते हैं, तो इन दोज 5 मिनट्स आई हैव टू वेयर अ साड़ी विच आई डोंट इवन नो हाउ टू वेयर, एंड देन आई हैव टू कॉम माई हेयर विच आई डोंट गेट अ टाइम टू कॉम माई हेयर, एंड देन आई हैव टू वॉक फॉर 30 मिनट्स आफ्टर रीचिंग बस स्टॉप। वंस आई रीच बस स्टॉप आई डोंट गेट टाइम टू कॉम माई हेयर अगेन, एंड देन मैं जब इवनिंग में आती हूँ तो इतना टाइम हो जाता है ना पापा के लिए, फिर से खाना बनाना होता है, स्नैक्स बनाने होते हैं, और फिर काम करना होता है, एंड देन स्कूल के भी काम होते हैं, वो सब करते करते बच जाते हैं करीबन 11, एंड 11 बजे फिर से मैं फेस वॉश नहीं करती, इतनी टायर्ड हो जाती हूँ कि मैं वैसे ही सो जाती हूँ, तो आप समझ सकती हो ये गंदे फेस का क्या राज है, मैंने बता दिया आज, सॉरी। सो हेलो, मैं अभी अभी सो के उठी हूँ, सो मेरी शक्ल पे नहीं जाइएगा, मैं बहुत गंदी दिख रही हूँ, अमेरिकन वेरी बैड, ये स्नेहा यू लुक वेरी बैड, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद अच्छे बन के।